नमस्कार दगड़ियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, टाइम है 2:30 बजे का और समय है शाम का। ठीक है, मैं आ रखा हूँ अपनी बकरियों में। दो चार जो बकरियाँ रखी है मैंने, आपको पता ही है अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो तो। आज बात करेंगे आप लोगों के साथ पहाड़ी मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग शब्द जितना छोटा है सुनने में और लिखने में भी, इसका महत्व तो उतना ही ज़्यादा बहुत बड़ा और विशाल है भाई। ठीक है, अब देखो, पहाड़ में जो है मार्केटिंग का और भी ज़्यादा महत्व है, और पहाड़ी लोगों का जो अर्निंग का स्रोत है वो कम क्यों है, उसके पीछे मार्केटिंग एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि यहाँ मार्केटिंग नहीं है। आप अगर मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो तो कभी कभार जब मैं किचन की वीडियो बनाता हूँ अपने, तो आप देखते होंगे कम से कम 4 से 5 प्रकार की सब्जियाँ मेरी बर्बाद होती है भाई। ठीक है, यानी कि सड़ जाती है। हालांकि कुछ सब्जियाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने पशुओं को खिलाने में, लेकिन हर किसी के तो ऐसे पशु नहीं है भाई। ठीक है, और यकीन मानिए हर किसी की इतनी भी सब्जी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियां होती है। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। अगर मैंने एक छोटा सा आइडिया लिया कि अगर इस बार जितनी सब्जी हमारे गांव में बर्बाद हुई है, यानी कि ख़राब हुई है, ठीक है, अगर उतने का हमको दाम मिलता, तो मैंने एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रखा है, इस समय तक 25,000 की अर्निंग हमारे गाँव में हो जाती। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 25,000 की। ठीक है, जो कि मैंने मोटा मोटा लगा रखा है कि रिश्तेदारों को क्या है, पहाड़ों में क्या होता है कि जब कोई सब्जियां लगती है तो भाई कोई भी लोग आके मांग के लेके चले जाते हैं, तो ऐसा चलता है। हालांकि वो बहुत अच्छा है ये रिवाज, और इससे जो है आपसी प्यार प्रेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है पहाड़ों में, नो डाउट। मैं उस सब्जी को बचा के बेचने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब्जी की बात कर रहा हूँ जो प्योर वेस्ट जाती है भाई पहाड़ों में, गई है इस बार की बात बता रहा हूँ। जबकि इस बार जो है सब्जी भी बहुत कम थी गांव में, इतनी ज़्यादा नहीं थी बरसाती सब्जियों की भी अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अब दगड़ियों मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं? देखो, उसके पीछे हमको छोटा छोटा जो हमारी मानसिकता है ना, जो माइंड सेट है, अब देखो माइंड सेट एक बहुत बड़ा शब्द है। ठीक है, और इसके मायने भी बहुत ज़्यादा है। माइंड सेट हो गया है हम लोगों का कि ये चीज़ नहीं होना है तो नहीं होना है। ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है और होगा ही नहीं। जबकि दगड़ियों ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको अपना माइंड सेट है जो वो चेंज करना होगा, और उसको जो है पॉजिटिव टाइप में यूज़ करना होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा, जैसे हमको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एज यूजल अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये वीडियो मेरे अपने पहाड़ी भाई बंधुओं के लिए होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उनके काम की बात इसमें ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि बाहर के भी जो यूज़र्स हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है। और अगर आपको भी इससे अपना मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा भाई। ठीक है, तो दगड़ो क्या होता है, जैसे हम मार्केट के लिए, दुकान के लिए, सामान के लिए जाते हैं। ठीक है, दुकान में आपको पता ही है हमारे गाँव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर हमारा डीलर है, वहीं से हम लगभग ज़्यादा खाने पीने का सामान लाते हैं। तो जाते समय तो हम खाली जाते हैं, तो उस समय को यूज़ करके अगर हम जाते समय अपने घर से सब्जियां लेके वहाँ किसी के साथ कॉन्टैक्ट बना लें कि भाई हम सब्जी ला रहे हैं तू बेच दियो, और जितना पैसा होगा बिकने के बाद तू भी रख लियो, क्योंकि दुकानदार उधर बेचते ही हैं, उनका तो काम ही है भाई सुबह से लेकर शाम तक सेल करना। ठीक है, वो भी अपनी सब्जियाँ बेचते हैं रामनगर से ला के भी महंगे महंगे दामों में भाई, खुद ही उनको पड़ता है तो क्या कितना दाम लेंगे वो। तो क्यों ना हम उनको अपने घर की बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां दें और उनसे बोलें कि भाई देखो, अगर कोई सब्जी बर्बाद होती है तो हम उसका पैसा माफ़ कर देंगे, और जितना अर्न होता है आपको, सपोज़ करो कि आपकी 100 रुपये की सब्जी बिक गई, तो भाई 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं, 50 रुपये मेरे को दे देना, 50 रुपये तुम रख लेना। ठीक है, तो दगड़ियों आप समझ ही रहे हो कि जैसे 25,000 की सब्जी हमारी बर्बाद हो रखी है, तो अगर किसी एक भाई को भाई 1-2 महीने में 12-15 हज़ार रुपये मिल जाते तो भाई अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है उसकी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि गांव में जो सिंपल लिविंग वाली थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा है। आप यकीन नहीं करोगे, गांव में अगर मतलब वो तो खैर पैसे के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं और अपना खान पान करते हैं, और खान पान भी लगभग लगभग गाँव में सबका एक ही समान होता है भाई,
चाहे कोई बहुत बड़ा पैसा है चाहे कोई गरीब आदमी है। और मैं यकीन से ये बात ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक घर चला रहा हूँ, अपना घर मैं खुद चलाता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, आप समझ ही रहे हो, मेरे पशु भी हैं, ठीक है, सारे हैं, मेरे 2 डॉग्स भी हैं जो कि भाई हमसे भी ज़्यादा खाना खाते हैं, आप समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि राशन तो भाई फ़िलहाल तो हमको थोड़ा ज़्यादातर फ्री का ही मिलता है, ठीक है, मिल रहा है, अगर वो फ्री का राशन नहीं भी मिलता ना दोस्तों, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, तो 3 से 4 हज़ार रुपये में गाँव में गुजारा आराम से हो जाता है महीने का, ठीक है, मैं इतनी बड़ी फैमिली की बात कर रहा हूँ, अकेले आदमी तो भाई 1500 रुपये में अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर कोई फैमिली वाला बंदा है तो भाई 3 से 4 हज़ार रुपये फ़िलहाल करंट में आराम से उनकी जीविका चल जाती है महीने का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 12-13 हज़ार रुपये अगर अर्न हो जाते उस भाई के, किसी भी भाई के, ठीक है, इसी सीज़न में, तो यार कम से कम 3-4 महीने का उसका, उसकी फैमिली का, और अगर सिंगल है तो भाई उसका पूरे साल का गुजारा हो जाएगा उतने में, ठीक है, अगर उसकी आदतें सही है, जैसे मतलब अगर वो कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करता है या गलत आदतों में विलुप्त नहीं है, तो आराम से उसकी जीविका साल भर के लिए 10-12 हज़ार रुपये चल जाती है भाई, ठीक है। तो दगड़ो ये छोटी छोटी बातें हमको सीखनी होंगी, जब आदमी को अपनी खेत से अर्निंग होने लग जाएगी सपोज, ठीक है, अभी देखो हम खेतों में इतना मेहनत क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हमको पता है कि यहाँ से जो भी चीज़ जाएगी हमारी घर ही जाएगी। एक भाई ने कहा है कि जब आप बात करते हो किसी टॉपिक पे तो बैकग्राउंड भी दिखाया करो, तो चलो बैकग्राउंड में भी, बैकग्राउंड देखते देखते मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अचानक से मेरे को उस भाई की बात याद आ गई, तो भाई क्यों नहीं, आप हमारे दर्शक हो, आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो, तो आपके मन की जरूर करेंगे भाई, ठीक है, तो चलो बैकग्राउंड में ही आपसे बात करता हूँ। भाइयों ये रहा बैकग्राउंड, और बात वही कर रहे थे कि भाई मार्केटिंग के लिए हमको छोटे छोटे कदम कैसे उठाने। अब सपोज करो कि भाई जब हमको थोड़ी बहुत अर्निंग अपने खेती से होने लग जाएगी सब्जियों में ही, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उनकी रेख देख थोड़ा अच्छी तरह से तरीके से करेंगे, क्योंकि हमको ये रहेगा कि भाई इनसे हमारी अर्निंग भी होगी, ठीक है, तो अर्निंग का एक स्रोत बन जाएगा। तो उसके बाद भाई ज़रूरी आप खुद समझ लो कि आजकल आमूमन जो है इंडिया में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आमूमन इंडिया में आजकल ज़्यादातर कंपनियों में हफ्ते में 5 दिन काम हो रहा है और 8 घंटे ड्यूटी हो रही है, ठीक है, तो 8 घंटे ड्यूटी, क्योंकि भाई मैं थोड़ा नॉर्थ इंडिया से हूँ, लेकिन मैंने नॉर्थ इंडिया में जॉब बहुत कम कर रखी है, तो नॉर्थ इंडिया में भी मैंने 2-4 कंपनियों में जहाँ जॉब कर रखी है, तो भाई मेरा 5 डे वर्किंग ही रहा है, 7 डे कहीं कहीं जो है 6 डे वर्किंग रहता है, ठीक है, तो ज़्यादातर भाई इस समय जो है इंडिया में जो है जो कंपनियाँ जॉब कर रही है, जॉब दे रही है, तो भाई उनका जो है 5 डे वर्किंग है, आप समझ रहे हो, बिल्कुल टाइमिंग की ड्यूटी होती है कि सुबह इतने बजे से और शाम को इतने बजे तक, आमूमन जो है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और उसके बाद भी ज़्यादातर कंपनियों में जो है जैसे ग्रेड वर्कर होते हैं, जो लो ग्रेड वर्कर होते हैं जैसे लेबर इस टाइप के, तो उनसे भाई ओवर टाइम भी कराया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए ओवर टाइम करवाया जाता है, ठीक है, तो बाकी जो ग्रेड में आते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2, ये तो भाई इनकी तो फिक्स ड्यूटी होती है, हालांकि ये अगर इनका प्रोजेक्ट कहाँ से कहीं भी फंस गया तो भाई इनको 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है, मैंने खुद किया है, ठीक है, एक जब मेरे पास भी प्रोजेक्ट आते थे, जब मेरा भी काम पड़ता था, तो भाई जब कंपलसरी हो जाता था मेरे को काम अटक गया या रुकना होता है, क्योंकि जवाबदारियाँ होती है भाई, डिप्लोमा, जैसे मैं डिप्लोमा होल्डर था तो भाई मेरे पास तो जवाबदारियाँ थी, ठीक है, तो ऐसी जवाबदारियों के चलते भाई कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन खुद ही भाई वो काम करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को लेआउट तो देना ही देना है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कंपनियों का विकास और कंपनी इतना डेवलप क्यों करती है, क्योंकि भाई जो है उनका फिक्स रहता है भाई, ठीक है, उनका पूरा अर्निंग उसी से होता है भाई, तो उनको पता है भाई कि अगर थोड़ा सा भी प्रोडक्शन कम हुआ या क्वालिटी में या क्वांटिटी में कुछ कमी हुई, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, तो भाई उनको काफ़ी ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ता है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि जब कंपनियों ने ये शेड्यूल बना रखा है तो क्यों ना हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में वो बातें रखें, ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हो कि जब हम दूसरे के लिए इतना काम कर सकते हैं, इतना सेंसिटिव होके काम कर सकते हैं, इतना मतलब एक तरह से टाइम टेबल से उसका काम हम खुद कर सकते हैं, दूसरे का काम, तो क्या हम अपना काम टाइम टेबल से नहीं कर सकते, आप खुद सोचो, ठीक है। सपोज करो कि अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि आदमी जो है मतलब कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत कर रहा है आदमी, आप मेरे को खुद ही देखते होंगे मेरे ब्लॉग,
मेरे जो डेली ब्लॉग आते हैं तो उसमें देखते होंगे कि भाई हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं खेती के लिए, ठीक है। अभी बंदरों ने तबाही मचा रखी है भाई, पूरे गांव में बंदर ही बंदर हो रखे हैं, लेकिन जब से हमने थोड़ा खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दिया तो भाई बंदरों को भी हम भगा रहे हैं, ठीक है, अपने खेतों को भी बचा रहे हैं भाई, ठीक है। अभी देखो हमारे घर में कोई नहीं है, मेरी वाइफ जो है मार्केटिंग के लिए बाहर गई है, तो अब ये मान के चलो कि मेरे घर में इस समय कोई नहीं है, तो अगर बंदर आएंगे तो खा लेंगे, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखी होगी, ठीक है, मतलब किसी को बोल रखा होगा या मैं नज़दीक हूँ घर से ताकि अगर मेरे को दिखाई दिए। तो भाई जब आदमी उस काम में पड़ता है तो ऑब्वियसली यार उसको सेव करना होता है और वो सेव करता भी है भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी मेहनत करे और सारी मेहनत अपनी बर्बाद होने दे भाई, अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत कोई बर्बाद नहीं होने देता, ठीक है। बट यार हम लोगों का जो पहाड़ी लोगों का जो माइंड सेट है वो इस तरीके से हो गया है कि हमको मतलब लगता ही नहीं है कि ये होगा, ये पॉसिबल है, हमको ये लगता ही नहीं है। तो दगड़ियों अपने अंदर जो है ट्रस्ट जगाएं, अपने अंदर विश्वास लाएं, और जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका 100% आपको मिलेगा या 100% आपकी अर्निंग होगी, भाई थोड़ी बहुत भी अगर अर्निंग होती है उससे, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो यकीन मानिए ये थोड़ी बहुत अर्निंग आपके ज़िंदगी के आपके बचत खाते को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देंगी, ठीक है। आप में से अगर वो लोग नहीं देखते हो, एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, तो उसमें एक करेक्टर है पोपट लाल, ठीक है। तो भाई मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फेवरेट धारावाहिक है और मेरा ये टाइम पास का जरिया है, जब मेरा कहीं टाइम पास नहीं होता तो मैं तारक मेहता देखता रहता हूँ, ठीक है, और कोई सीरियल मैं देखता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखता भाई, ठीक है। तो उससे मेरे को सीखने को मिलता है कि बचत कैसे की जा सकती है, ठीक है, मतलब भले वो करेक्टर है उस सीरियल में और हो सकता है वास्तव में ऐसा नहीं होगा, और नहीं होगा, वो तो करेक्टर है उसका, रोल है उसका वो तो, ठीक है। बट दगड़ियों काफ़ी कुछ चीज़ें उससे जो है हमको सीखने को मिलती है कि यार वाकई में बचत कैसे की जा सकती है, ठीक है, और क्या करके हम पैसा बचा सकते हैं, मतलब उसमें हमको अपने आप को भूखा अपना पेट मार के पैसा नहीं बचाना है, ऐसा पैसा बचा के क्या फ़ायदा है कि जो अपना पेट मार के और पैसा बचाया, तो उससे अच्छा तो भाई खा लो और 2 दिन और तो ज़िंदा रहोगे। अगर आप भूखे पेट मार के अपने बच्चों के लिए कमी करके, अगर आपके बच्चे को भाई एक बुक चाहिए और आप नहीं दिला पा रहे हो और उसका पैसा बचा के बैंक में रख रहे हो, तो यार वो पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा पैसा बचा के कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि भाई जैसे सपोज हम यहाँ से, अभी तो खैर ये नामुमकिन सा हो गया गांव के लिए भी, लेकिन कभी क्या होता था कि भाई हमारे गांव से धुमाकोट जो भी जाता था तो भाई पैदल ही जाता था, आज की डेट में मिनिमम भाई 100 रुपये या 100 रुपये तो टैक्सी वालों का किराया है, 70-80 रुपये तो है ही, इतना तो है ही, और जब टैक्सियों की जब मतलब ज़्यादा लोग होते हैं तो भाई वो 100 रुपये भी कभी कभी वो किराया चला जाता है, तो आने जाने का 200 रुपये आप समझ लो, ठीक है, सिर्फ चलने का, और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ चलना है भाई, और स्वस्थ आदमी के लिए तो भाई चलना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा नुकसान तो होता नहीं है भाई चलने से, तो आप समझ सकते हो कि उस आदमी ने 200 रुपये चलने के बचा दिए, अगर वो उस 200 रुपये को सीधे गुल्लक में डाल दे और भूल जाए कि भाई वो ये लगे कि मैं गाड़ी में गया हूँ, 200 रुपये गए, अब देखो साल में कम से कम 10-12 बार तो धुमाकोट जाता ही जाता है आदमी यहाँ का, यानी कि चलो कम से कम बोल रहा हूँ मैं 2-3 हज़ार रुपये एक साल के, ठीक है, तो यार 2-3 हज़ार रुपये अगर आप चल के कमा सकते हो, स्वस्थ आदमी हो आप चल के कमा सकते हो, तो यार उसमें बुराई क्या है, ठीक है, ये मान के चलो। अब देखो सपोज हमारी मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हमारी 4 गायें हैं, ठीक है, तीन गायें, एक डेथ हो गई इसकी, 4 थी पहले, तो अभी तो खैर हमारा दूध कम है, एक ही गाय दे रही है, बाकी सबको भी आना है तो उनका दूध छूट गया है, बट जब हमारे पास 4 गायें थी ना तो भाई तब भी हमारा वही स्थिति थी, और आज हमारी 1 गाय दूध दे रही है, तो भाई चाय हम अब भी दूध की पी रहे हैं, इतना फ़र्क था कि थोड़ा मतलब ये हो जाता था उस टाइम कि हम छाछ भी बना देते थे, दही भी खा लेते थे, मतलब ज़्यादातर वो बर्बाद होता था, मतलब इतना घी तो हमने कभी बनाया नहीं तब भी, ठीक है, लेकिन हमने उस दूध का मार्केटिंग अच्छे से नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ लोग गायों को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और गाय तो मतलब जो बहुत अच्छा दूध है, जिस गाय में आज के टाइम में अपने पहाड़ों की बात बता रहा हूँ, जिसमें पहाड़ों की गायों में एक्चुअली में दूध कम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थी दूध होता है उनका, नो डाउट, ठीक है। तो आजकल जिस गाय में सबसे ज़्यादा दूध होता है ना, तो भाई उस गाय की कीमत है पहाड़ों में 4 से 5 हज़ार रुपये, जो कि बहुत कम है, ठीक है,
क्योंकि गायों को भाई कोई पालना ही नहीं चाहता, उनको घास देना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है। आदमी दूध लगा लेगा एक गिलास दो गिलास चाय के लिए, लेकिन भाई गाय पालने के लिए कोई राजी नहीं है। और घास की हालत आप देख ही रहे हो, कितना घास है यहाँ, आप बैकग्राउंड वीडियो में देख ही रहे होंगे, ठीक है, कितनी घास है। मेरी बकरियाँ बिल्कुल हरी हरी घास पे मुँह साफ कर रही है, ठीक है। मैं घर के बिल्कुल पास में हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मतलब यहाँ से मेरा घर ये मान के चलो 100 मीटर की दूरी पे होगा। यहाँ से ऊपर ये रेलिंग दिख रही होगी आपको हरी हरी, तो ये सीधा ये रेलिंग मेरे घर तक ही गई है, और 100 मीटर से भी कम ये रेलिंग है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि घर के इतने नज़दीक में इतना घास है यहाँ, लेकिन एक गाय पालने के लिए कोई राजी नहीं है, ठीक है। हमारी 4 गायें थी, वो भी मतलब मैंने फोर्स करके रखी थी, कि मैंने कहा भाई अब बच्चे हैं, दूध रहेगा तो भाई बच्चों को तो दूध चाहिए चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए 4 गायें पाली। लेकिन मतलब हम एक उस दूध से हम बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाए, जबकि मैंने हिसाब लगाया था कि जब हमारी 4 गायें बिया रखी थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर हम 1 किलो दूध भी बेचते हैं, क्योंकि भाई 4 गायों में लगभग 2.5-3 किलो दूध तो हो ही जाता था एक टाइम में, ठीक है। तो उसमें से अगर हम 1 किलो, क्योंकि आजकल तो भाई आधा किलो दूध में भी हमारा गुजारा फुल हो रहा है, चाय तो हम उतनी बार पी रहे हैं, फिर भी एक भी बार काला पानी नहीं पी रहे, तो इसका मतलब भाई अब 4 किलो दूध था, तो इसका मतलब 3.5 किलो दूध हमारा उस टाइम ज़्यादा था, ठीक है। तो 3.5 के ना मान के मैं 1 किलो भी अगर बेचते हैं 60 रुपये, तो भाई महीने के 1500-1600 रुपये होते हैं, ठीक है, 1500-1600 रुपये महीने में बनते हैं, 1800 तक या 2000 तक आराम से अर्न होती है। अब भाई गाय दूध देती है लगभग 8 महीने तो पक्का ही है, 10 महीने मान के चलो, ठीक है, चलो कम से कम 8 ही महीने मान लो, 10 महीने में थोड़ा दूध कम हो जाएगा, तो 8 महीने तो भरपूर दूध देता है गाय में, तो अब लगा लो 8 दूना 16 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है, 16 हज़ार उन 4 गायों की कीमत नहीं है। तो यानी कि उन गायों ने एक बार भी आने में अपना पूरा जितनी भी उन पे कीमत लगी है सारी वसूल कर दी है, तो यार कितना अच्छा है, ठीक है। गाय सस्ती है, लेकिन भाई दूध तो महंगा है ना, दूध तो नहीं है ना सस्ता। आप भाई पैकेट का दूध जिसमें कि जिस पे भी कोई भरोसा ही नहीं है वो कैसा है क्या है, उसको भी तो ला ही रहे हो 60-70 रुपये लीटर में, तो हर कोई चाहेगा भाई कि गाँव का ताज़ा शुद्ध दूध मिले, ठीक है, उतने ही पैसे में, उससे भी कम पैसे में, ठीक है। तो अर्निंग वहाँ से भी कर सकते हैं आदमी, अपनी छोटी छोटी अर्निंग के जरिए भी पहाड़ों में अपनी जीविका व्यवस्थित बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना जो माइंड सेट है, जो हमारा माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। अब देखो कुछ उदाहरणों से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इंडिया, ये हमारे पहाड़ों की समस्या नहीं है, ये पूरे इंडिया की समस्या है। इंडिया में देखा देखी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब एक तो लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया है कि बिल्कुल मतलब जो मेरा पड़ोसी करेगा या जो मेरा पड़ोसी कर रहा है मैंने वही करना है। अरे ऐसा नहीं है भाई, पड़ोसी कर रहा है अपनी सिचुएशन के हिसाब से कर रहा होगा, तुम करो अपनी सिचुएशन के हिसाब से करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी जो कर रहा है उसी में तुमको फ़ायदा होगा। हो सकता है भाई पड़ोसी, अब मेरा पड़ोसी सपोज मेरे पड़ोसियों की दुकान है ही वो हकीकत में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भी दुकान ही खोल लूँ भाई, जब उनकी दुकान है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं दूसरे व्यवसाय कर सकता हूँ ना, क्योंकि भाई गांव में इतनी मार्केटिंग तो है नहीं, एक सामने दो दो दुकानें तो चल नहीं सकती, तो क्यों पड़ोसी का भी नुकसान करना भाई, ठीक है, और अपना नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि उतनी बिक्री तो तुम्हारी होगी नहीं, जहाँ एक दुकान में जितनी बिक्री होती है, अगर 4 दुकान खुल जाए तो ऑब्वियसली भाई बिक्री कम कम होने लग जाएगी 4ों का, ठीक है, तो क्यों उसके बिजनेस पे लात मारना और क्यों उसके बिजनेस में हाथ डालना, उससे अच्छा है कि दूसरा धंधा खोल लो, धंधों की कमी थोड़ी है। लेकिन इंडिया में जो देखा देखी है बहुत ज़्यादा होती है। आप मैं एक फनी सा आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये गाड़ी जा रही है रामनगर तक, ठीक है, रास्ते में एक आदमी पेशाब करने के लिए रुकेगा ना, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ गाड़ी में आधे से ज़्यादा आदमी पेशाब करने के लिए बाहर निकल ही जाते हैं, ठीक है, और उनमें से किसी को लगी होगी चाहे नहीं लगी होगी, लेकिन भाई हर कोई चैन तो अपनी ज़रूर खोलेगा, ये आप मान लेना इस बात को, और चेक भी कर लेना, आपने अगर गौर नहीं किया होगा तो आप कर लेना, ठीक है, इतनी ज़्यादा देखा देखी है। जबकि पेशाब करने के लिए एक आदमी ने गाड़ी रोकी थी, भाई अगर आप इतने लोगों को पेशाब लगी थी तो भाई आपने पहले गाड़ी क्यों नहीं रोकी, आप गाड़ी रोक सकते थे ना, लेकिन नहीं, जब एक आदमी ने रोक ली उसकी देखा देखी में आप सब बाहर आ गए गाड़ी से। तो ये है इंडिया की देखा देखी वाली मार्केटिंग, ठीक है, तो इसमें इंडिया जो है नंबर एक पे है। मैंने सर्वे के डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम देखते हैं प्रत्यक्ष अपने सामने, फॉर एग्जांपल, तो
उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब देखा देखी में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया है कि भाई अब देखो सपोज ये है यहाँ से, मतलब कभी क्या होता था कि ये गांव से बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम माइंड बना लेते हैं कि भाई गाय बच्चियाँ यहाँ नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं भाई। तो यहाँ गाय बच्चियाँ आज तक गई ही नहीं, अभी भी नहीं जाती है भाई यहाँ चलने के लिए, जाम की है वीडियो बना रहा हूँ। जबकि अगर लाई जाए उनको और अच्छे से उनको उधर उनको हिटाया जाए तो आराम से यहाँ गाय बच्चियाँ चलने जा सकती है। लेकिन हमारा तो माइंड सेट हो गया है कि नहीं भाई यहाँ तो आ ही नहीं सकती। तो भाई ये जो माइंड सेट है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, और अपनी छोटी मोटी अर्निंग के जरिए हम बहुत मोटी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। और ये छोटे छोटे उदाहरण है, अगर आप ठीक है एक मान के चलो 16,000 रुपये साल में दूध के कमा रहे हो गाँव में रह के, 16,000 रुपये गाँव में, आपको 16,000 बहुत छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन ये भी सोचो ना कि ओनली दूध पे। और गाय बच्चियाँ क्या है, चरने के लिए जाती है दिन भर, भाई उनको घास तो कोई दे ही नहीं रहा आजकल, मैं बोलता रहा हूँ इतनी सारी घास है ये देखो, दिन भर चर के आती है और भाई उनको रास्ता देखा रहता है, ठीक अपने गौशाले में आ जाती है, उनको सिर्फ बांधना है। और थोड़ा बहुत अगर घर में महिलाएं हैं और थोड़ा पेड़ है हमारे जैसे भीमल के, ये जंजीर के, हमारे यहाँ तिमला बोलते हैं, वक्सा के, ठीक है, बेड़ू के, इनका जो है पीड़ा बना के यानी कि उसको उबाल के देते हैं पत्तियों को, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत नमक मिला के, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता भाई, नमक कितने का आता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उनको देते हैं। और आग तो भाई शीरी की है, ऐसा तो है नहीं कि गैस में आप वो उबाल रहे हो, नहीं, लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ हमारे जंगलों में भरपूर मात्रा में है, तो उसका यूज़ करते हैं, हमारे पूर्वजों ने वही यूज़ किया है, आप भी वो यूज़ करो। और उनको आराम से थोड़ा बहुत तो मेहनत लगेगी भाई जब आपको 16,000 रुपये साल में कमाने हैं सिर्फ दूध में, ठीक है। अब मान लो 16,000 आपने दूध में कमा लिए, 2-3 हज़ार आपने पैदल चल के बचा लिए, ठीक है, 20,000 तो ये हो गए, ठीक है, मतलब एक छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ मैं, 30,000 आपने सब्जी में कमा लिए साल में, 50,000 रुपये हो गए, ठीक है, वही 10,000 आपने और अन्य दालों में कमा लिए हल्की फुल्की खेती करके, ज़्यादा बहुत बड़ा मेहनत करके नहीं, ठीक है। और मेन व्यवसाय में आप कमाई रहे हो, जैसे बकरी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और दिहाड़ी मजदूरी जो आपकी गांव में है ही है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी रकम करके सब कुछ जोड़ जाड़ के मैंने हिसाब लगा रखा है, डाटा के हिसाब से मान के चलो तुम, अगर खा पी के पहाड़ों में आप 50,000-60,000 भी साल के जमा कर रहे हो अपने खातों में, ठीक है, अपनी विपत्ति के समय के लिए, ठीक है, अपने बुढ़ापे के लिए जैसा आप बोल सकते हो जब विपत्ति आती है, या बच्चों के भविष्य के लिए 50-60 हज़ार रुपये भी आप कमा रहे हो भाई, ठीक है, तो यार अगर आप 10 साल भी ऐसे चलते हो तो 7-8 लाख रुपये आपके खाते में हो जाते हैं। और 7-8 लाख रुपये को अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो किसी भी बैंक में, इस करेंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, और शायद ये सिचुएशन तो काफ़ी समय तक रहेगी, तो हो सकता है बैंकिंग के अगर नियम बदले तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करंट में ऐसा लगता नहीं है। तो अगर 7-8 लाख रुपए आप फिक्स के तौर पे भी किसी भी बैंक में रखते हो तो आपकी बुढ़ापे की पेंशन हो जाती है सिर्फ बैंक के ब्याज से। तो आप समझ सकते हो कितना सरलता से और कितनी अच्छी तरीके से पहाड़ों में आप छोटी छोटी बचत करके भी अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किस कोई पॉलिसी लो और उसी पे डिपेंड रहो, क्योंकि भाई पॉलिसी बनने के लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे जब आप पहाड़ों में इस तरह से रहोगे और इस तरह से सेट करोगे अपनी ज़िंदगी। अगर आप इस तरह से माइंड सेट कर दोगे अपना, जिस तरीके से मैंने छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, तो ज़रूर दोस्तों ऐसा नहीं है, इनकम बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों में और बहुत ज़्यादा स्रोत है इनकम के। और यकीन मानिए आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे काम एक आदमी कैसे करेगा, तो पहाड़ों में ये सब पॉसिबल है, जिनका लालन पालन, जो पहाड़ों से प्यार करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो वो जो 8 घंटे की कंपनी की ड्यूटी है और लेबरी है जो 10-12 हज़ार रुपये महीने वाली जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, तो यार उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपने पहाड़ों में है। आप आराम से शुद्ध हवा और शुद्ध पानी में इस तरह से बचत करके भी अपनी ज़िंदगी को आर्थिक रूप से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, और अगर आपके पास दिमाग में आपके कोई और सजेशन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरी बात से आप कितना एग्री करते हो ये भी मेरे को ज़रूर बताएं। जैसा मैंने बोला है ऐसा हो सकता है कि, या मैंने सारी बातें हवा हवाएं बोल दी है, ये इसका भी मेरे को आईना ज़रूर दिखाएं, ठीक है।
दगड़ो सच कहता हूँ, ये सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इन बातों में मैं खुद अमल करता हूँ, नो डाउट। ठीक है, आपको मैं बता नहीं सकता लेकिन मैं इन सारी बातों में खुद अमल करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें समझे और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने पहाड़ी लोगों के साथ, पहाड़ी भाई बंधुओं के साथ। अगर उनको मेरी वीडियो देख के, मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और कुछ जानने को मिलता है जो चीज़ें उन्होंने नहीं सोची है कभी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर वो सारी मेरी सारी बातें इस तरीके से पॉजिटिव में लेते हो। अगर आपको कोई भी बात मेरी नेगेटिव वे में जाती है या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो उसका भी सुझाव मेरे को ज़रूर दें। कोई टॉपिक भी चुने और कमेंट्स बॉक्स में लिख दें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, पहाड़ों के, पहाड़ों से रिलेटिव। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं विदेशों की या बाहर शहरों की वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ों से रिलेटिव अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट करें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ये देखो भाई बंदर भी यहाँ बहुत सारे आ रखे हैं। और ये देख लो, ये देखो, अबे कहाँ जा रहा है, ओए ये देखो बंदर। ठीक है साला, ये देख ही नहीं रहा मेरे को, नीचे आ रखा हूँ मैं। तो भाई बंदर से थोड़ा वीडियो डिस्ट्रैक्टेड हो गई, बट कोई बात नहीं है दगड़ियों, तो मिलते हैं दगड़ियों। और भाई नए नए आते हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं बोलना भूल गया, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन की मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है। आप सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगेगी तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है पहाड़ तक में। डेली ब्लॉग आप देखते ही हो, काफ़ी इन्जॉय करते हो। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।